कहते हैं ना कि अगर किसी भी काम को मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्पित होकर किया जाए तो सफलता हाथ जरूर लगती है। इसका एक उदाहरण यूपीएससी में छठी रैंक लाने वाली विशाखा यादव भी है, जिन्हें दो असफलताओं के बाद सफलता हाथ लगी और सफलता भी ऐसी जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। आपको बताते चले कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में छठी रैंक हासिल करने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशाखा यादव ने दो प्रयासों में विफल रहने के बाद भी हार नहीं मानी और तीसरी बार उनकी मेहनत रंग लाई। विशाखा के पिता दिल्ली पुलिस में सहायक उप निरीक्षक हैं। विशाखा यादव ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने दो बार वर्ष 2017 और 2018 में सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लिया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि यह मेरा तीसरा प्रयास था और मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं छठी रैंक पर हूं। उन्होंने कहा कि रणनीति बनाकर पढ़ाई करना उनके लिए खासा मददगार साबित हुआ और इसी के चलते तीसरे प्रयास में सफलता हासिल हुई। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि विशाखा यादव दो साल तक एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम की और उसके बाद यह निर्णय लिया कि हमें नौकरी नहीं बल्कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। उनका यह फैसला हैरान करने वाला था, लेकिन विशाखा अपनी धुन की पक्की थी, इसलिए परिवार वालों ने भी उनका समर्थन किया। उनके पिता राजकुमार ने बताया कि अपनी तैयारी के लिए उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को विषय चुना। कई बार रात को बिना खाए ही वह सो जाती थी। कामयाबी मिलने से पहले लगातार दो बार असफल रही है, लेकिन उन्होंने असफलता से हार नहीं मानी और पहले से ज्यादा मेहनत की। नतीजा यह रहा कि तीसरी बार में उन्होंने देश भर में अपना और अपने परिजनों का नाम ऊंचा किया है। सफलता के बाद मीडिया से बात करते हुए विशाखा यादव ने क्या कुछ कही है, आप खुद सुनिए। टाइम्स कभी कभी लगता था कि सिलेक्शन नहीं होगा, कभी कभी लगता था कि हाँ कॉन्फिडेंस आता था कि कुछ होगा, बट यस अभी भी थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा है, अभी सिंक इन होगा ये फील है। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? तीन साल से मैं तैयारी कर रही थी। मेरा फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में CSC 17 और 18 में क्लियर नहीं हुआ था, फिल्म सी क्लियर नहीं हुआ था, एंड दिस इज़ माई थर्ड अटेम्प्ट CSE 19 एंड द रिज़ल्ट इज़। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस था, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इसमें, प्लस गाइडेंस भी मुझे बहुत अच्छी मिली थी शुभा मैम की, सो इसीलिए मैंने ये चूज़ करा। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? घंटे फिक्स नहीं होते पढ़ाई के, बट रोज़ आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, एंड उन टारगेट्स को स्टिक करना इज़ वेरी फ्रूटफुल, वो ज़्यादा हेल्प करता है। क्या आपने कोचिंग भी ली थी? हाँ, मैंने वाजीराम से क्लासरूम कोर्स किया था, क्योंकि आई हैड लेफ्ट माई जॉब तो मैं स्टडीज़ के टच में नहीं थी ह्यूमैनिटीज़ के, सो आई नीडेड गाइडेंस। पेरेंट्स का सपोर्ट हर तरीके से ही था, decision to leave my job and supporting me throughout for 3 years, and उसमें बहुत time होता है कि तुम्हारा breakdown भी हो जाता है, so उसमें भी parents का support तो I think 200% था। I would say कि Delhi Police का बहुत ही ज़्यादा contribution इस तरीके से है कि it's like a family and it supports you when you need it. So, मेरे फादर जब भी मुझे ज़रूरत थी तो आई थिंक माई फादर वॉज देयर फॉर मी, एंड फॉर दैट वे आई वुड लाइक टू थैंक दिल्ली पुलिस।